आईसीआई बैंक पे है। हाँ? मैंने 1000 शेयर लिए हुए आईसीआई बैंक के 800 के भाव पे। चलिए बढ़िया लेवल आपको मिला है। जी जी, मेरा भी 10 से 15 साल का है। सेम सिमिलरली मैंने एक्सिस बैंक भी लिया है 1500 शेयर, उसके ऊपर भी मेरा 10 से 15 साल का व्यू है मेरा दोनों शॉर्ट स्टॉक्स पे। एक्सिस में आपकी वो क्या है, बाइंग प्राइस क्या है? एक्सिस में मेरी बाइंग प्राइस है 920। जी मैम, दोनों ही स्टॉक आपने बढ़िया रेट पर लिए हैं सर, और 10 से 15 साल का नज़रिया है, क्लियरली इन्वेस्टर आउटलुक है आपका। लेकिन मुनाफे में है तो क्या इतने लंबे अंतराल के लिए अगर आप रहना चाहते हैं तो कुछ प्रॉफिट क्या बुक कर लेना चाहिए? आशीष क्या कहेंगे, हालांकि इनके लेवल्स बहुत ही बढ़िया है, तो फिलहाल जो मुनाफा हो रहा है दोनों में ही कुछ प्रॉफिट बुक कर लें, इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है इनका? देखो मेरे मुताबिक तो इसमें कोई सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक्सिस और आईसीआईसीआई दोनों बहुत दिग्गज काउंटर्स हैं और निजी सेक्टर की जो बैंकिंग है उसका भी बहुत आगे स्कोप है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जिस तरह से आ रही है इस कंट्री में, बहुत और बैंकिंग की डिमांड आएगी, बैंकिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और उसमें ये सारे बैंक्स क्योंकि रिलेटिवली ज़्यादा एग्रेसिव हैं सरकारी बैंक्स की तुलना में और ज़्यादा प्रोएक्टिव मैनेजमेंट है, तो इनको तो खास फायदा मिलेगा ही मिलेगा आगे चल के। और मेरे हिसाब से 10-15 साल में तो मेरे हिसाब से यहाँ से बहुत ऊपर के रेट पे कोट होंगे दोनों आईसीआईसीआई और एक्सिस, तो डेफिनेटली बने रहें।